गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टाडा, मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस नहीं है, आज है 26th of December और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर और मम्मी यहाँ पे छील रही है पालक एंड मेथी और छील रही है मेथी और कचड़े वाला आ गया है, लेकिन मैं कचरा नहीं रहूंगी क्योंकि आज हमारे घर में कोई कचरा नहीं, दो लोग जा रहे थे वहां कचरा नहीं होता है। और आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही हो। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बस लाइनर पहना है, नीचे बेल बॉटम जीन्स पहनी है, बाल स्ट्रेट किए है और मेकअप हम वहीं जाके करेंगे। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं है, चलो वहां से चलना। बिग बाजार। ओके गाइस, सो हम आ गए हैं मीठालू, जो बिना आईब्रो बनवाए आती है हमेशा मेरे ब्लॉग में। तो हम आ गए अभी जेड स्क्वायर, यहाँ से हमें कपड़े लेने। हमने एक ड्रेस खरीद ली है और हमने ट्विनिंग करी है, लेकिन ये जैकेट उतार नहीं रही है। और अभी पहले हम यहाँ खाने आए हैं, सूसू करने आए हैं बेसिकली, हर बार की तरह, और उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में अंदर जाकर। कैसा लग रहा है मेरे साथ आके? हाउस द जोश? हाय गर्ल, तेरे बाल वैसे इतने वेवी क्यों रहते हैं? रिबॉन्डिंग कराने की ये साइड इफेक्ट है गाइस, आप रिबॉन्डिंग कराइए तो स्पा कराते रहिए। आइए आइए मैडम, मैडम फूड को। ओके सो वी आर इन, कभी भी पता है मुझे पिज्जा हट का पिज्जा बहुत ही घटिया लगता है, महंगा भी आता है और घटिया भी होता है। खाया है कभी? बहुत ही घटिया। सबसे बढ़िया अपना डोमिनोज, जिंदाबाद। अगर आपको कभी भी अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आना है तो आप ऐसे कीड़ों के साथ तो बिल्कुल ना आए जो फोन में बिजी रहते हैं। क्योंकि ये जब से मैं आई हूँ तब से इनको फोन चलाने से फुर्सत ही नहीं है। मैं खिंचवाऊंगी नहीं यार, इसके फोन की क्वालिटी अच्छी है। खिंच खिंच और तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप क्या है बताओ, बताइए मैम, आपके लिए फ्रेंडशिप क्या है? ये एमबीए वाले आइए, मिलिए एमबीए वालों से। गाइस गिव, क्या कहते हैं, गिव अ मेरी फ्रेंडशिप इसमें पहले अब्यूजमेंट नहीं चलेगी मेरे चैनल पे। कोई बहुत लोग मेरे चैनल देखते थी, नहीं मैं रिवील नहीं करूंगी, लेकिन बहुत लोग देखते हैं मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। बट गाइस आप लोग बताओ, आप लोगों के लिए फ्रेंडशिप क्या है? इसके लिए तो बीसी है, तो आप लोगों के लिए क्या है आप जाओ कमेंट बॉक्स पे और जिसको अच्छा लग रहा है वो बताओ। मैं फोन फोड़ देना तेरा, ये टैग कर दे। आ गई मैं, आ गई सुंदर सी मैं। ओके गाइस, तो मेरे लिए फ्रेंडशिप इज लाइक टॉम एंड जेरी भी नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड से लड़ती भी नहीं हूँ। हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं बस। लाइफ में तीन दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनमें से एक ये पदार्थ है हमारा जिसको फैशन के नाम पे एफ नहीं आता है। आप अगर इसे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे यहाँ फॉलो करो। फेरीवन में जो कपड़े दिलाए वो मैंने दिलाए वो मैंने मेरी चीज़ से बताना कि मेरे कैसे, क्योंकि ये अपने आउट ऑफ द रेंज कपड़े पहनने वाली है जो इसने कभी ट्राई नहीं किया। लड़की बनने वाली है लिटरली, मेरी शालिनी डीवा, सीवा से डीवा बनने वाली है, कैमरा शाय लड़के। सो अभी हमने अपना पिज्जा ऑर्डर किया, वो अभी आया नहीं है और 66 हो गया, अभी मैं जा रही हूँ। एक्सप्रेशन चेंज लड़की के ये बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो कैमरे में है यार। मुझे पता है बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने इलाहाबाद में ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू किए थे, बहुत और बहुत चीजें थी दिखाने के लिए वहां पे मुझे। भाई बहुत ज्यादा भीड़, कैसा लग रहा है गाइस? मैंने अपनी बहन की शादी में इतनी शॉपिंग नहीं करी है जितनी इसकी फ्रेशर्स में करी है, और मैं अभी इसे स्टारबक्स में लेने ला रही हूँ पार्टी, अगर इसने नहीं दी इसकी कटर। पहले शूज पहले जूते पड़ेंगे कह रही है, पहले जूते खाऊंगी फिर शूज। अब मैंने इसको मास्क लाया, मैं अपनी मास्क लेकर भी नहीं चली थी। जेड स्क्वायर में बहुत भीड़ है, मैं जेड स्क्वायर शिवालय नवीन और गोविंद नगर के चक्कर लगा के हमारी ऐसी तैसी हो रही। सॉरी सर, अरे बाप रे भीड़ देखो, मैं लेके चली आई मास्क लगो।
पन्नी लेके चल रही हो। अभी दौड़ा रही तो शादी में कितना दौड़ाओगी अपनी है? एक एक भी शेड नहीं लिया इस लड़की ने। तूने फिर मेरी शू लेस खोल दी। अब की बार तुमको तुमसे को अरे शालू में मार दू। चल ये वीडियो के लिए बनवा। मैडम 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 देखिए शॉपिंग करने आई पन्नी लेके वो भी ब्लैक कलर की। मैडम कुछ दिला दीजिए मैडम। चलो ले लो। मैडम मैडम सुनिए तो सारे मोटे वाले। मैडम 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 ये दिला दीजिए मैम प्लीज। चलो दिस बहन में चेंज करने आज आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा दर्शकों। गाइज सो वी आर हेयर एट द मॉल एंड शालिनी ले रही है अपने लिए 300 की टी शर्ट क्योंकि हमने पूरा मॉल घूमा उसे 300 की वो भी ब्लैक प्लेन टी शर्ट पसंद कर के आई है। नहीं वो बहुत पैसे वाली उसने बहुत सामान खरीदा। इस छोटे से बैग में हमने सिक्योरिटी गार्ड को छुपाने के लिए इतना खरीदा है इतना मतलब लाइक घुसा दिया है बैग में। और स्कूटी की डिग्गी इज लाइक हेल और मैं बहुत थक गई हूँ एंड गोलगप्पे खा खा के पेट जो निकला है वो बात अलग है। एंड मेरे सामने जो दृश्य चल रहा है वो आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो दृश्य दिखाने लायक नहीं है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि शालिनी के ऊपर वो टी शर्ट कैसी लग रही है। गर्मी आ रही है तो लूज ही अच्छी लगेगी। अब तुमको चाहिए थी एल अब तुम मांग रही थी एम तुम्हें एम लगती है मीडियम लेकिन तुम ये भी अच्छी लग रही है थोड़ी सी ऐसी सेक्सो टाइप। मुझे लूज अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी दर्शकों बोला करूँ। चलिए दर्शकों हम लेके आते हैं एम साइज की टी शर्ट। इसको जो बगल में कलर था पीच कलर कलर का भी नाम नहीं आता। दर्शकों इनको ये क्या है सब बाल देखो तो ये मेरी दोस्त नहीं है ये मेरे साथ जो आई थी वो है ही नहीं हाइच नहीं ये हमारा OTDD सरोजनी की शर्ट है ये लोकल है ये भी लोकल और मैं भी लोकल हूँ। दर्शकों अब हमारी जो इज्जत है और जो हमारी औकात है हम उसमें आ गए हैं जो ये जुड़ा है हो गया फैशन। ये देखिए काली मैया तैयार हो रही है। ओह माय गॉड सो टायरिंग बहुत ज़्यादा दर्दनीय दिन था आज का। सो मच फन। तुम्हें इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है कहीं? मुझे जरूरत ही नहीं किसी और की। जो भी दोस्त इसकी मेरी वीडियोस देखती हैं देखिए ये वही चेहरा है जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके क्योंकि सबने मुझे धोखा दिया मैंने तो सबसे बड़ा धोखा दिया है तुमको। कोई नहीं और कोई नहीं दे सकता ये धोखा जो मैंने दी। फ्रेंडशिप के नाम पे मैं गद्दार हूँ गद्दार ये तो मानने वाली बात है। मैंने सबके साथ गद्दारी करी है मैंने सबके साथ सबको बताया गलत बस मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे रहे ना जिन्होंने कभी मेरी पोल नहीं खोली है और मेरी वैसे कोई पोल है भी नहीं। की तो सेल लगी है सेल चालू गाड़ियों की सेल लगी है। ओके गाइज सो दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू टॉक टू यू बट या ऐसी आवाज गूंज रही होगी डरना मत। रात में थोड़ा सा टाइम हो गया है और मैं आकर के ब्लॉग करना भूल गई थी एंड इट इज अ लाइक छोटा मोटा सा ब्लॉग एंड फ्रेंडशिप इज मतलब लाइक फ्रेंडशिप इज टू मच फॉर मी। मैं अपने दोस्तों को कोशिश करती हूँ जोड़ के रखने की मतलब मुझे ऐसा है कि अगर सामने से मुझे उतने इंटेंशंस मिल रहे हैं कि हाँ वो दोस्ती निभा सकता है तो मैं अपना 110% देती हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सही हो जाऊं या सॉरी बोल के सारी चीजों को निपटा दूं लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता है सामने से सही तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम उसको लेट गो कर देना चाहिए हमें कि लाइक अब तुम नहीं आना चाहते हमारी लाइफ में तो मत आओ इट्स ओके। उनके लिए हम टॉक्सिक है हमारे लिए वो टॉक्सिक हो जाते हैं बट मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत सारे थे अब कुछ बचे हैं पर्सनल फ्रेंड्स एक दो तीन पर्सनल फ्रेंड्स हैं मेरे जो मेरे बहुत क्लोज हैं और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ से वो कभी भी किसी भी वजह से जाएं। पहले मेरी लाइफ में मतलब कैसा था कि लाइक मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ जो भी देख रहे हैं प्लीज हंसना नहीं इट्स लाइक इमोशन फॉर मी तो मैं आप लोगों से मतलब लाइक करना चाहती हूँ कि मेरे साथ पहले ऐसा था कि मैं सबकी लाइफ में घुसती थी
ऐसे वो उसने अपनी लाइफ परोस के मेरे सामने रखी तो मैं घुस जाती थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में हर एक चीज जाननी होती है और फिर मैं उसके अपने थॉट्स बनाती थी और फिर उसको अपनी तरीके से लोगों को बताती थी, विच इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. आपको अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, इंसान गलतियों से सीखता है. मैंने बहुत सारी गलतियां करी अपने फ्रेंड्स के साथ, सो अगर जो जिनके साथ की है वो समझ गए होंगे, बट उनके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज उतनी अक्ल नहीं होती है, हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं बाकी चीजें करने के लिए, लेकिन फ्रेंडशिप करने के लिए मैच्योर नहीं थे शायद, मैं नहीं थी शायद. बट हमें अपने फ्रेंड्स को ना हमेशा ऐसे छुपा के, ऐसे अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा एकदम सिक्योर करके रखना चाहिए. आप भले ही किसी इंसान के लिए कितना भी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, वो मैटर करेगा ही नहीं. अगर आप एक गलती कर दोगे तो आपकी पूरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी. ये मैटर करेगा ही नहीं कि आपने वो एक क्या चीज अच्छी करी है उसके साथ, मतलब बाकी क्या चीज अच्छी करी अगर एक चीज बुरी हो गई है तो. बट या ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं, बट मेरे लिए इज लाइक शालिनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. दो और दोस्त हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत बहुत बहुत. उनका नाम मैं उनके सामने ही लेती हूँ, बताती हूँ, और तीनों का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वरना जो एक दो और है मतलब ऐसे ही वाले वो बुरा मान जाएंगे. बट ये जो है ये बहुत करीब है मेरे दिल के, एंड आई लव यू शालिनी सो मच. एंड या okay guys, that's it for the video. I hope you like it. If you do, then please like, share, comment and subscribe to my channel. आज हमने बहुत सारी लिपस्टिक ट्राई करी, हमने ये और ये लिपस्टिक ली भी थी शालिनी के लिए, बिकॉज मैं छोटे छोटे क्लिप्स मैंने डाले हैं और वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं किया. मैंने बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं करी थी तो मेरा मन बहुत था ब्लॉगिंग करने का. अभी अपकमिंग एक और ब्लॉग आपको मिलेगा, मे बी कल का ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि मैं कल कहीं भी विजिट करने वाली हूँ. और उसके बाद न्यू ईयर का और आगे आने वाली बहुत अच्छी चीज 2022 में हमने सोची है, उसके बारे में हम आपसे बाय बात करेंगे. टाटा, गुड नाइट, सी यू.